नमस्कार, मैं बॉबी, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आज की खास खबर देखते हैं। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से जारी हिमपात के चलते कई मुश्किलें सामने आ रही है। शुक्रवार रात यहां कई इलाकों में हिमस्खलन भी हुआ, जिसके चलते एक गाइड की मौत हो गई, जबकि एक डच ट्रेकर लापता है। हिमस्खलन से मरने वाला गाइड स्थानीय निवासी बताया जा रहा है। जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासनिक दल हिमस्खलन में लापता हुए टच ट्रेकर को ढूंढने में जुट गई है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक ऊपरी मनांग, भंखाड़ा, पिसांग, टंकी मनांग, घायरू, खंगसर और जिला मुख्यालय के आसपास के इलाकों में हिमस्खलन से काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार ये घटना शुक्रवार की है। नेपाल का मनांग जिला ट्रेकरों और पर्वतारोहियों के लिए जाना जाता है। सर्दी के दिनों में यहाँ पर भारी बर्फबारी और बारिश होती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर फरवरी महीने में इस जिले में बारिश और बर्फबारी सामान्य होती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर हिमस्खलन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से परिवहन और संचार सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहले भी हादसे का शिकार हुए हैं पर्वतारोही। इससे पहले अक्टूबर 2018 में पश्चिम नेपाल के माउंट गुर्जा पहाड़ पर हुए हिमस्खलन में करीब 9 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।